गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। जहां बीजेपी अपने गढ़ को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो वहीं विपक्षी भी किले में सेंधमारी की तैयारी में हैं। इसी जंग में पीएम मोदी भी कूद पड़े हैं। बीजेपी को कमजोर होता देख पीएम खुद सूबे के दौरे पर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी उन्होंने लोगों के लिए वादों का पिटारा खोल दिया। गुजरात में साल 1995 से अब तक बीजेपी सत्ता पर काबिज होती आई है। पिछले ढाई दशकों से कोई भी उसके किले में सेंधमारी नहीं कर पाया है। गुजरात मॉडल के नाम पर ही मोदी ने सीएम से लेकर पीएम तक का सफर तय किया है। यहां तक कि कई राज्यों में भी गुजरात के दम पर ही सरकार बनाई है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ गुजरात में भी बीजेपी की नींव हिलने लगी है, जबकि विपक्ष का दबदबा बढ़ने लगा है। चाहे मुद्दा पाटीदार आंदोलन का हो, महंगाई का हो या फिर हंगामा हो, इसे लेकर भूपेंद्र पटेल सरकार बैकफुट पर है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक जमकर आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कमल कमजोर भी पड़ सकता है। यही चिंता पीएम मोदी को खाई जा रही है, इसलिए अभी से वो चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। वो राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बनास डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि बनास डेयरी ने सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मोदी ने कहा कि आलू और दूध का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी जोड़ दिया। दूध, दही, छाछ, पनीर, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पेटी जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया है। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। डेयरी की सौगात देने के साथ साथ पीएम मोदी गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बाद में वो दाहोद में आदि जाति महासम्मेलन में शरीक होंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से साफ झलक रहा है कि बीजेपी गुजरात चुनाव को लेकर बेहद डरी हुई है। तभी तो पीएम मोदी 1 महीने में दूसरी बार गुजरात पहुंच गए हैं। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी के वजूद को बचाने की जुगत में लगे हैं। 10 अप्रैल को शाह ने भी यहां हुंकार भरी है, जिससे साफ जाहिर हो गया था कि गुजरात में कमल कमजोर पड़ गया है। इसलिए पीएम मोदी से लेकर अमित शाह दिल्ली छोड़ लगातार सूबे की दौड़ लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इतना पसीना बहाने के बाद वो अपने किले को बचा पाते हैं या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।